हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन टॉक। एंड आज अपन बात करने वाले हैं स्कोडा कुशाक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में कि इसका इंटीरियर जो है वो कैसा है, बिकॉज जो एक्सटीरियर है वो तो काफ़ी डिसेंट लुक जो है वो कैरी करता है, वो अपन आगे देखने वाले हैं। डायरेक्ट रोड प्रेजेंस कैसी है उस गाड़ी की वो फील करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो है काफ़ी प्लशी सा जो है डिज़ाइन यहाँ पर मिलने वाला है। लाइक सिंपल सोबर जो डिज़ाइन लोग पसंद करते हैं उनको ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है। बट जो लोग बहुत ही ज़्यादा टैकी हैं, उनको बहुत सारे फीचर्स वगैरह चाहिए, तो वो लोग जो है वो थोड़े से यहाँ पर मतलब उनको लगेगा कि यार ये और कुछ ज़्यादा बैटरी इसके अंदर होना चाहिए था। नेक्स्ट, जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम टच की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर ये गाड़ी इतना ज़्यादा प्रीमियम जो है वो आपको फील नहीं करवाती है। चाहे आप प्लास्टिक की बात करें या चाहे आप सीट कवर्स की वगैरह बात करें, या आपको ओवरऑल जो डिज़ाइन या लेआउट जो गाड़ी का है वो काफ़ी सोबर सा जो है वो लगता है वहाँ पर। तो ये दो टाइप के कस्टमर्स होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियमनेस चाहिए होती है। एक होते हैं जिनको यूज़फुल चीज़ें मिल जाए और उनका काम हो जाता है, दैट्स ऑल, उनको और कुछ चीज़ों से मतलब होती नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड टाइप के कस्टमर है उनके लिए जो इंटीरियर है वो काफ़ी बढ़िया है। एक नॉर्मल जो सनरूफ यहाँ पर कंपनी ने दिया है जो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है प्रैक्टिकलिटी में, बट अगर इसे पैनोरामिक सनरूफ दे दिया जाता तो डेफिनेटली ये गाड़ी जो है एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्क जो है वो क्रिएट कर लेती अपने सेगमेंट के अंदर। तो ये एक बात है। पीछे आप लोगों को एसी वेंट्स मिल जाते हैं जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया बात है इंडियन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आप देख सकते हैं बूट स्पेस जो है वो भी आपको डिसेंट क्वालिटी का मिल जाता है। आप आराम से तीन जो है छोटे सूटकेस आप रख सकते हैं, दो बड़े सूटकेस रख सकते हैं, छोटा मोटा दूसरा सामान भी जो है आप रख सकते हैं। अब ये गाड़ी, अब सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि लाइक इसको कहीं पर भी आप लेके जा सकते हो। मिड साइज एसयूवीज में कुछ ऐसी एसयूवीज हैं जो उनकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा बल्की है, वो दिखने में बहुत बड़ी है, उनकी विड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक परफेक्ट जो है बैलेंस एसयूवी बनाई गई है जिसमें एक डिसेंट स्पेस आपको मिल जाती है और आपको रोड प्रेजेंस भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, और उसको आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, सिटी में आप चलाना चाहें, चाहे आप उसको हाईवे पर लेके जाना चाहें, एज अ फैमिली व्हीकल इसको यूज़ करना चाहें। तो वहाँ पर ओवरऑल जो इसका बॉडी प्रोपोर्शन है, जो डायमेंशंस हैं, वो काफ़ी परफेक्ट जो है वो कंपनी ने रखी है। नेक्स्ट, इसके जो हेडलाइट्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया हैं। ओवरऑल जो ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है वो भी डिसेंट है, लाइक आप नॉर्मल जो ऑफ रोडिंग है वो आप कर सकते हैं। इवन दो ये गाड़ी जो है फ्रंट व्हील ड्राइव है और कोई प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसयूवी नहीं है, फिर भी खराब रास्तों में ये काफ़ी अच्छे से जो है परफॉर्म कर जाती है, बिकॉज इसका जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसको सपोर्ट करता है, इसकी हैंडलिंग को लेके या चाहे इसकी जो राइड क्वालिटी वगैरह है वो काफ़ी बढ़िया जो है वो आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट, अगर इसकी बात की जाए कि क्या इस गाड़ी को परचेस करना चाहिए या दूसरे जो ऑप्शंस हैं उन्हें अभी तक स्टिक रहना चाहिए उसी पे, तो इसके जो 1 लीटर वाला जो इंजन है वो इतना ज़्यादा रिफाइंड जो है वो आपको फील नहीं होगा। 1.5 लीटर इंजन जो है वो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है, बट उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। उस प्राइस रेंज में आपको जो है क्रेटा एसएक्स जो है वो मिल जाती है, सेल्टोस का काफ़ी अच्छा HTX वेरिएंट जो है वो मिल जाता है, और वो दोनों गाड़ियाँ जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होती है इंटीरियर के मामले में, बैठने के मामले में। जो एक्सटीरियर का लुक है वो सब्जेक्टिव पार्ट होता है, वो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोगों को बाहर से ये अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को क्रेटा अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को सेल्टोस अच्छी लगेगी, कुछ लोग इन तीनों गाड़ियों को छोड़ के हैरियर, सफारी वगैरह या XUV700 जो नहीं आने वाली है उन गाड़ियों पर, हेक्टर वगैरह पर जो है वो जाना पसंद करेंगे। तो ये एक बात है। बाकी मेरे हिसाब से तो अगर आपको गाड़ी परचेस करनी है तो डेफिनेटली आप ये गाड़ी को परचेस कर सकते हैं, कोई परेशानी जो है वो आप लोगों को नहीं होने वाली है। इवन दो स्कोडा की सर्विस सेंटर अगर आपके नियरेस्ट एरिया में है 20-25 किलोमीटर के एरिया में, तो आप डेफिनेटली आप इसे परचेस करो। बट अगर बहुत ज़्यादा दूर है और वहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा स्कोडा की सेल नहीं होती है, तो फिर इस गाड़ी को लेने से बचो, बिकॉज वहाँ पर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की जो है वो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो ये थे हमारे फर्स्ट इंप्रेशन इस गाड़ी को लेके। और कुछ जानना चाहते हैं नीचे कमेंट करो, इंस्टाग्राम फेसबुक पे अगर ज्वाइन नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप कनेक्ट हो जाएं, सारी अपडेट्स भी वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। सो गाइस, सी यू टुमारो नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड ड्राइव सेफ।